मार्च 2022 में SS राजामौली ने एक ऐसी फिल्म रिलीज की जिसकी दीवानगी अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। NT रामा रॉय जूनियर, रामचरण, अजय देवगन और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म RRR मार्च 2022 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। वहीं लगभग एक साल के बाद भी फिल्म की दीवानगी कम नहीं हुई है और फिल्म को दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीनिंग के रूप में ऑस्कर प्रचार के लिए 1 मार्च को अमेरिका में फिर से रिलीज किया गया था। बम्पर हाउसफुल के साथ ये स्क्रीनिंग एक बार फिर से इतिहास रच रही है और फिल्म RRR के 1600 से भी ज़्यादा टिकट बेचे गए। इतना ही नहीं, फिल्म के मेकर्स ने ट्विटर पर अमेरिका के थिएटर से कुछ झलकियाँ शेयर की है। कुछ ही मिनटों में शो हाउसफुल हो गया और प्रशंसक फिल्म को फिर से देखने के लिए लंबी कतारों में इंतजार करते नजर आए। प्रोड्यूसर ने इस विशेष स्क्रीनिंग को 12 मार्च को होने वाले 95वें अकादमी पुरस्कार से पहले तैयार किया है। वहीं बता दें कि RRR का गाना नाटू नाटू को ऑस्कर 2023 के लिए बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ है। दिलचस्प खबर ये है कि इस गाने को गायक राहुल सिपलीगुंज और काल वैरव मंच पर लाइव परफॉर्म करेंगे। वहीं 12 मार्च को 95वें एकेडमी अवार्ड्स का आयोजन डॉल्बी थिएटर में होगा। NTR, राजामौली, चरण और RRR की पूरी टीम ग्रैंड नाइट में शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे और भी बॉलीवुड के लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट गॉसिप के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सेले 44।